तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज एज अ वेंडरिंग ट्रेडर। हाँ? एंड ट्रेडर बनके गाइस मेरे टोटल चार ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले मुझे अपने लिए दो लामास ढूंढ के लाना है, मुझे अपने लिए एक प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बनाना है, मुझे हमेशा की तरह एंड में जाके एंडर ड्रैगन को हराना है, एंड आखिर में विदर को हरा के हमें अपने लिए एक बीकन बनाना है। तो क्या मैं ये 100 डे सर्वाइव कर पाऊंगा एज अ वेंडरिंग ट्रेडर, वो भी हार्ड कोर में, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है 1xBet। 1xBet एक ऐसा एप्लीकेशन और वेबसाइट है जहाँ से आप काफी सारे पैसे कमा सकते हो रिस्क फ्री बैटिंग करके। यहाँ से आप घर बैठे काफी सारे पैसे इजीली कमा सकते हो, बस आपको रजिस्टर करना है, एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड उस लिंक से आप रजिस्टर करते हो तो आपको 100% बोनस मिल सकता है अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे, एंड आपको 130% का बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरा प्रोमो कोड 1xGold 1x यूज करते हो, तो वो भी 10,000 रुपीज का। एंड अभी के ऑफर्स के हिसाब से आपको अपने लॉस पे फुल रिफंड मिलेगा, यानी कि 100% पैसा वापस। सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, फटाफट से जाके अभी रजिस्टर करो या वीडियो खत्म होने के बाद करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी वीडियो की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था ट्रेडर बनके इस प्लेन्स बायोम में, जहाँ पे मेरे जस्ट पीछे था काफी बड़ा सा यहाँ पे जंगल बायोम। एंड अब बारी थी ट्रेडर बनके अपनी जर्नी को स्टार्ट करने की, इसलिए बिना देरी करते हुए मैंने फटाफट से यहाँ से कुछ लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं हमेशा की तरह अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बना सकूं। एंड थोड़े बहुत लॉक्स चॉप करके गाइस मैंने फटाफट से अपने लिए वुडन की पिकैक्स और एक की एक्स बना दिया। आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे कुछ बैम्बूज मिल गए जिसे मैंने ले लिया, एंड साथ ही मेरे सामने यहाँ पे काफी सारे वाटर मेलन्स भी थे जिसे भी मैंने फटाफट से बटोर लिया। ये अपने को अभी के लिए खाने में काफी ज्यादा काम आएगा। एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ से आगे बढ़ने लग गया, ताकि मैं जंगल बायोम को एक्सप्लोर कर सकूं। एंड इसी तरीके से गाइस मैं आगे बढ़ रहा था कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक जंगल टेम्पल। मैं फटाफट से बिना देरी करते हुए जंगल टेम्पल के अंदर चले गया। अंदर पहुंचते मैंने तोड़फोड़ करते हुए यहाँ पे एक पहली चेस्ट को ढूंढ लिया, जिसके अंदर से गाइस मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत गोल्ड, कुछ बोन्स और बैम्बू मिल गए। आगे मुझे यहाँ पे डिस्पेंसर से कुछ एरोज मिल गए, एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से गाइस मुझे यहाँ पे 3 डायमंड मिल गए, काफी सारे गोल्ड और रॉटन फ्लैश मिल गए। जंगल टेम्पल से बाहर आते ही गाइस मैं यहाँ पे एक एक करके सारे मॉब्स को मारने लग गया, ताकि मेरे को खाने के लिए फूड मिल सके, एंड साथ ही मुझे वुल भी मिल सके, ताकि मैं रात होने से पहले अपने लिए बेड बना के इजिली सो जाऊं। एंड इसी तरीके से गाइस मैं मॉब्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक पांडा, एंड ये था गाइस माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट पांडा, क्योंकि गाइस ये था एक ब्राउन पांडा, एंड इसके मिलने के चांसेस गाइस लिटरली काफी ज्यादा कम है। तो इसी खुशी में मैंने इसको थोड़े बहुत बैम्बूज खिला दिए, एंड आप भी इसी खुशी में वीडियो को लाइक दे दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? दिन भर मेहनत करते करते गाइस यहाँ पे ऑलरेडी रात होने वाली थी, इसलिए मैंने फटाफट से अपने लिए एक बेड बना दिया, एंड मैं सीधा चल गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होती गाइस मुझे यहाँ पे कुछ शुगर केन्स मिल गए, जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से बटोर लिया। ये अपने को फ्यूचर में इंचेंटमेंट टेबल सेटअप करते टाइम पे काफी ज्यादा काम आएगा। एंड इस तरीके से गाइस मैं आगे बढ़ रहा था कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुकी थी काफी खतरनाक और गहरी केव, जहाँ पे नीचे पानी भी था, इसलिए बिना देरी करते हुए मैं सीधा केव के अंदर चले गया। केव के अंदर पहुंचते गाइस मैंने सबसे पहले यहाँ से स्टोन को माइन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक मेरे पास स्टोन के टूल्स भी नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ से फटाफट से स्टोन को माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड स्टोन को माइन करते करते साथ ही मुझे थोड़े बहुत कोल भी मिल गए, जिसे भी मैंने ले लिया। काफी सारे स्टोन माइन करके मैंने फटाफट से अपने लिए स्टोन की पिकेक्स और एक एक्स बना दिया, एंड साथ ही मैंने अपने लिए एक फर्नेस भी बना दिया, जिसमें मैंने जितना भी फूड कलेक्ट करके लेके आया था उसे मैंने कुक करने के लिए रख दिया। एंड जैसे गाइस मेरा सारा खाना कुक हो चुका था, मैं केव में आगे बढ़ने लग गया, एंड बढ़ते बढ़ते गाइस मुझे अपने पहले आयरन कुछ मिल गए, जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड तभी गाइस मुझे यहां पे मिल चुके थे अपने प्यारे क्रीपर बाबा, जो कि ट्रेडर पे नहीं फट रहे थे, यानी कि ये हमारे दोस्त थे। औकात मेरे। आगे बढ़ते बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे भर भर के थोड़े बहुत और आयरन मिल गए, जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे मालूम पड़ा कि सामने से यहाँ पे कुछ जॉम्बीज आने लग गए, जो कि मुझ पे अटैक कर रहे थे, यानी कि ट्रेडर पे जॉम्बीज अटैक कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से आगे मैंने कुछ और जॉम्बीज को निपटा दिया। एंड आगे गाइस मुझे यहाँ पे और भी भर भर के काफी सारे आयरन मिल गए, जिसे मैंने ले लिया। एंड तभी गाइस यहाँ पे हमें मिल चुके थे हमारे प्यारे हड्डी बाबा, जो कि हम पे अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन हम तो इन पे अटैक कर ही सकते थे। बड़ा हरामी हो। आगे मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत लैपिस लाजुली मिल गए, जिसे मैंने ले लिया। एंड आगे गाइस मैं यहाँ पे कुछ और आयरन को माइन कर ही रहा था कि तभी गाइस यहाँ पे पूरी जॉम्बी की फैमिली आ चुकी थी, पापा, चाचा और भतीजा, जो कि मुझ पे तगड़ी तरीके से अटैक करने लग गए। मैंने सोचा कि मैं ब्लॉक पे चढ़ के इनको मार दूंगा, बट ये तो मुझ पे ब्लॉक पे से भी अटैक करने लग गए, एंड मैं सीधा 1 हार्ट पे पहुंच चुका था, और मैं जैसे तैसे बच गया। काफी सारा आयरन माइन करने के बाद जॉम्बी से बचने के लिए मैंने यहाँ पे अपने लिए एक छोटा सा कमरा बना दिया, एंड उसके बाद मैंने फर्नेस में मेरे पास जितना भी आयरन था उसे मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड जैसे गाइस मेरे सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, मैंने बिना देरी करते हुए फटाफट से अपने एक फुल्ली आयरन का आर्मर बना दिया। एंड बचे हुए आयरन की हेल्प से मैंने सारे आयरन के टूल्स बना दिए, एक बकेट भी बना दिया। एंड तभी गाइस मैंने देखा यहाँ पे काफी सारे बिन बुलाए बाराती आ चुके थे, जिनकी मैंने तगड़ी तरीके से खातिरदारी कर दी।
Nice. एंड उसके बाद गैस केव से बाहर निकलते मैं इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी गैस मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक रुइन पोर्टल। मैं फटाफट से रुइन पोर्टल के पास पहुंच गया एंड यहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले पानी डाल के लावा को बंद कर दिया। यहाँ पे मुझे गोल्ड का ब्लॉक मिल गया जिसे मैंने ले लिया एंड यहीं पे मुझे काफी देर ढूंढने के बाद एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से गैस मुझे काफी डिसेंट सी लूट मिली। मुझे एक गोल्ड की चेस्ट प्लेट, फ्लिंट एंड स्टील, कुछ गोल्ड के नगेट्स मिल गए एंड इसी तरीके से गैस घूमते घूमते मुझे यहाँ पे मिल चुके थे हमारे ट्रेडर की सबसे प्यारी जगह जो की थी एक विलेज। विलेज में पहुंचते गैस मैंने एक एक करके सारे विलेजर के घर को चेकआउट करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे पहली चेस्ट में से मुझे काफी सारे पोटेटोज मिले। आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे कुछ ब्रेड्स और पोटेटोज मिल गए। विलेज में पहुंचते गए मैंने देखा कि यहाँ पे विलेजर के बीच में तो अलग ही आशिकी चालू थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एंड साथ ही गाइस यहाँ पे दो विलेजर के बीच इतनी तगड़ी कन्वर्सेशन चालू थी ऐसा लग रहा था आज तो ये यूपीएससी एग्जाम क्रैक ही कर लेंगे। आगे मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से गाइस मुझे कुछ और ब्रेड्स और पोटेटोज मिल गए एंड आगे बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया जहाँ से मुझे काफी सारे बुकशेल्फ मिल गए जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। ये अपने को फ्यूचर में एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करते टाइम पे काफी ज्यादा काम आएगा। आगे बढ़ते बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे एक वेपन स्मिथ का घर मिल चुका था जिसके घर की चेस्ट में से गाइस मुझे काफी बेकार सी लूट मिली। मुझे यहाँ से सिर्फ दो गोल्ड और कुछ एप्पल्स मिले। उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ फर्नेसेस को कलेक्ट कर लिया एंड आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे भर भर के काफी सारे हेबल्स मिल गए जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से बटोर लिया एंड यहाँ पे गए काफी सारे हेबल्स थे जिनके हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे वीट बना लिए एंड उन वीट की हेल्प से मैंने जो है अपने विलेजर के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारे ट्रेडर को एमरल्ड काफी ज्यादा पसंद है। एंड मेरे पास जो बचे हुए हेबल्स थे उनकी हेल्प से मैंने अपने लिए थोड़े बहुत ब्रेड्स बना लिए एंड जो थोड़े बहुत और वीट बच चुके थे उसको मैंने वापस से ट्रेड करके कुछ और एमरल्ड्स कमा लिए। एंड उसके बाद गए मुझे यहाँ पे एक विलेजर का घर काफी ज्यादा पसंद आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को अपना बेस बना लिया जाए। इसलिए मैंने फटाफट से पूरे रूम को क्लियर कर लिया एंड उसके बाद मैंने अपना बेड, चेस्ट, सारा सामान इधर पे लगा दिया एंड जितना भी सामान मेरे पास था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। घर से बाहर निकलते गए मुझे यहाँ पे काफी घायल आयरन गोलम दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी हेल्प कर ली जाए और उसको हमेशा के लिए मुक्ति दिला दिया जाए। इसलिए मैंने उसे फटाफट से मार दिया। तो गेम बजाना पड़ेगा। एंड उसके बाद गाइस मैंने फटाफट से अपने लिए एक नई डायमंड की पिकैक्स बना दिया क्योंकि अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की एंड उसके लिए मुझे कुछ ऑब्सिडियन की जरूरत थी। एंड ऑब्सिडियन के लिए गाइस मैंने सोचा क्यों ना पिछले वाले रुइन पोर्टल के पास ही जाया जाए बट काफी देर ढूंढने के बाद भी गाइस मुझे वो रुइन पोर्टल नहीं मिला। बट लकीली थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहाँ पे एक नया रुइन पोर्टल मिल चुका था जिसके पास मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे थोड़ी बहुत ऑब्सिडियन, एक गोल्ड की हो, एक शॉवेल और कुछ नगेट्स मिल गए। एंड उसके बाद बिना देरी करते हुए मैंने फटाफट से यहाँ से सारे ऑब्सिडियन को माइन करना स्टार्ट कर दिया एंड ऑब्सिडियन को माइन करते करते गाइस मुझे यहाँ पे एक गोल्ड का ब्लॉक मिल चुका था उसे भी मैंने ले लिया। काफी देर तक काफी सारे ऑक्सीजन को माइन करके मैं अपने विलेज में पहुंच गया एंड वहां पे पहुंच के मैंने फटाफट से अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना दिया एंड उसे मैंने फटाफट से बिना देरी करते हुए लाइट अप भी कर दिया। एंड गाइस क्योंकि हम वेंडरिन ट्रेडर थे तो हमारे पास दो लामा भी होना जरूरी है तो मैंने सोचा क्यों ना दो लामा को कैसे ढूंढ के लाया जाए। बट उसके लिए मुझे सबसे पहले लीड की जरूरत होगी एंड उसे बनाने के लिए मुझे स्लाइम और जो है स्ट्रिंग की जरूरत होगी एंड स्लाइम के लिए मुझे जो है स्वॉर्म बायोम ढूंढना पड़ेगा। इसलिए बिना देरी करते हुए रात होने से पहले मैं सीधा निकल के एक स्वॉर्म बायोम ढूंढने के लिए जहां पे पहुंच के मैं स्लाइम्स को मार जो है इनफ स्लाइम्स कलेक्ट कर सकूं। A few moments later. एंड चलते चलते गाइस मैं स्वॉर्म बायोम पे पहुंच चुका था एंड रात भी हो चुकी थी एंड लकीली गाइस यहां पे स्लाइम भी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके थे। इसलिए बिना देरी करते हुए मैंने एक एक करके सारे स्लाइम्स को मारना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे इनफ स्लाइम बॉल मिल सके। स्लाइम बॉल कलेक्ट करते करते गाइस मुझे यहाँ पे 1.19 के प्यारे प्यारे फ्रॉग्स भी देखने को मिल गए एंड लिटरली गाइस ये काफी ज्यादा क्यूट थे तो इसी बात पे गाइस वीडियो को लाइक दे दो। एंड थोड़े बहुत स्लाइम बॉल्स कलेक्ट करके गाइस मैं फाइनली अपने विलेज में पहुंच गया एंड अपने विलेज में पहुंच के गाइस मैंने फटाफट से अपने लिए दो लीड बना दिए एंड अब बारी आ चुकी थी लामास को ढूंढने की एंड सबसे बेस्ट जगह होती है सवाना बायोम जहाँ पे हमें इजिली लामा मिल सकता है। इसलिए मैं फटाफट से निकल गया सवाना बायोम के लिए एंड काफी देर चलने के बाद गाइस फाइनली मैं सवाना बायोम भी पहुंच चुका था एंड अब बारी थी लामास को ढूंढने की। एंड लकीली गाइस थोड़ा आगे बढ़ती मुझे यहाँ पे दो प्यारे प्यारे लामास दिख चुके थे, एक था व्हाइट वाला एंड एक था ब्राउन वाला। इसलिए मैंने फटाफट से दोनों को लीड से बांध दिया एंड काफी ज्यादा चलने के बाद गैस उन्हें लेके मैं फाइनली अपने विलेज में आ गया। अपने विलेज में पहुंच के गैस मैंने फटाफट से उन्हें फेंस में बांध दिया। आते आते गैस मैंने कुछ शिप्स को मारा था ताकि मुझे थोड़ा बहुत वूल मिल सके जिसकी हेल्प से मैं कारपेट बना के अपने लामा को टेम कर सकूं। इसलिए मैंने थोड़े बहुत डाइज बनाया एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने कारपेट को डाई कर दिया एंड उसके बाद एक एक करके मैंने अपने दोनों लामा को कारपेट पहना दिया एंड लिटरली गैस हमारे लामास काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। एंड गैस मेरी पुरानी वाली आयरन स्वॉर्ड टूटने वाली थी इसलिए मैंने फटाफट से अपने लिए एक नई आयरन की स्वॉर्ड बना दिया एंड उसके बाद मेरे पास जितने भी शुगर केन्स थे उसे मैंने फटाफट से प्लांट कर दिया ताकि मुझे और भी शुगर केन्स मिल सके। अब बारी थी नेदर में जाने की इसलिए बिना देरी करते हुए पोर्टल की हेल्प से मैं सीधा निकल गया नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में पहुंचते गए मैंने देखा कि मैं स्पॉन हो चुका था एक क्रिम्सन बायोम में, वो भी एक पेड़ के ऊपर। एंड तभी गए मैंने सोचा क्यों ना एक बड़ा सा स्टेयरकेस टाइप बना दिया जाए ताकि हम इजीली अपने नेदर पोर्टल को एक्सेस कर सके। इसलिए मैंने यहां से फटाफट से कुछ लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया एंड इस तरीके से गए मैं आगे को यहां पे लॉक्स को चॉप कर ही रहा था कि तभी गए मुझे यहां पे देख
चुका था एक उड़ता हुआ ब्लेज, जिससे गाइस मुझे पता चला कि हमारे पोर्टल के जस्ट सामने यहाँ पे एक नदर फोर्ट्रेस था एंड ये काफी अच्छी बात थी। एंड उसके बाद कुछ लॉक्स कलेक्ट करके मैंने उसकी हेल्प से प्लांक्स बना दिया एंड उसकी हेल्प से मैं अपने लिए यहाँ पे स्टेयरकेस टाइप बनाने लग गया ताकि मैं अपने पोर्टल को इजिली एक्सेस कर सकूं। एंड अपने पोर्टल के सबसे पास यहाँ पे नदर फोर्ट्रेस था, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले नदर फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर कर लिया जाए, इसलिए मैं फटाफट से नदर फोर्ट्रेस के अंदर चले गया। नदर पहुंचते मुझे सबसे पहले यहाँ पे ब्लेज का स्पॉनर दिख गया, जहाँ पे पहुंच के मैंने एक एक करके सारे ब्लेज को मारना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे इनाफ ब्लेज रॉड मिल सके। काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ने लग गया एंड तभी मुझे यहाँ पे चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड मिल गया। आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर से गए मुझे यहाँ पे 3 डायमंड मिल गए और थोड़े बहुत और गोल्ड मिल गए। एंड आगे मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत नेदर वार्ड्स भी मिल गए जिसे भी मैंने फटाफट से ले लिया। आगे मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट में से जो है थोड़ा बहुत आयरन और एक गोल्ड की चेस्ट प्लेट मिल गई जिसे लेके मैं आगे बढ़ने लग गया। एंड चलते चलते गए मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक रुइन पोर्टल, जिसके पास पहुंचते मैंने सबसे पहले यहाँ से गोल्ड के ब्लॉक को ले लिया एंड यहाँ पे मुझे चेस्ट मिली जिसके अंदर से गए मुझे थोड़े बहुत फ्रेंड मिले, कुछ आयरन के नगेट मिले और कुछ गोल्ड के टूल्स मिल गए। एंड यहाँ पे मुझे कुछ बोन के ब्लॉक्स भी मिल गए जिसे भी मैंने ले लिया, ये अपने को फ्यूचर में हो सकता है काम आ जाए। एंड आगे बढ़ते बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक ब्लैकस्टोन बेस्टियन, जो कि काफी अलग टाइप का था, ये ट्रेजर रूम वाला नहीं था, ये डिफरेंट टाइप का बेस्टियन था। अंदर पहुंचते गाइस मुझे यहाँ पे डबल चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी सारे एरोज मिल गए, बोन के ब्लॉक्स मिले और मैग्मा क्रीम मिले। एंड यहाँ पे एक और चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे कुछ और ऑब्सिडियन मिल गए, एक सोल स्पीड की बुक मिल गई। एंड उसके बाद मैं बेस्टियन में नीचे आ गया, नीचे मुझे यहाँ पे काफी अजीब से ब्लॉक दिख रहे थे जिनको तोड़ते तोड़ते गाइस मुझे यहाँ पे मिल चुके थे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स। लिटरली गाइस यहाँ पे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स थे जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। बाहर निकलते मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे गोल्डन एप्पल, कुछ आयरन और कुछ गोल्ड के नगेट्स मिल गए। एंड इस बेस्टियन में भी गाइस यहाँ पे बीच में कुछ ट्रेजर टाइप एरिया बना के इन्होंने रखा था, जहाँ पे कुछ नेदर वार्ड्स मिले थे जिसे मैंने ले लिया। एंड यही पर गाइस एक चेस्ट भी थी जिसके अंदर से मुझे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा मिला, मुझे वो ट्रेजर रूम जैसी अच्छी लूट नहीं मिली। आगे मुझे कुछ और गोल्ड के ब्लॉक्स मिल गए जिसे मैंने ले लिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी सारे एरोज मिले, एक डायमंड की शॉवेल मिल गई, काफी सारे बोन के ब्लॉक्स मिल गए। एंड इन सारी तगड़ी लूट को कलेक्ट करके मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। ओवरवर्ल्ड में पहुंचते गए मैंने डिसाइड किया क्यों ना अपने वर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया जाए। एंड मेरे जस्ट सामने यहाँ पे काफी बड़ा सा ओशन था, तभी मैंने डिसाइड किया क्यों ना अपना एक्सप्लोरेशन ओशन से ही स्टार्ट किया जाए। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे मिल चुकी थी एक शिप रैग, मैं फटाफट से उसके पास चले गया। यहाँ पे पहली चेस्ट में से मुझे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा मिला। एंड इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे एक और चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे एक बड़ी ट्रेजर का मैप मिल गया जिसे मैंने ले लिया। एंड फटाफट से मैं उसके लोकेशन पे पहुंच गया एंड वहां पे पहुंच के मैं जो है ट्रेजर को ढूंढने लग गया। एंड काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे चेस्ट मिल गई जिसके अंदर से मुझे काफी डिसेंट सी लूट मिल गई। चलते चलते गए मैं स्नो वाले बायोम में पहुंच चुका था, जहाँ पे मुझे मेरे जस्ट सामने यहाँ पे मिल चुका था एक टाइगर वाला विलेज। वहाँ पे पहुंचते गए मुझे यहाँ पे सबसे पहले काफी सारे वीट मिल गए जिसे मैंने ले लिया। एंड उसके बाद मैं एक एक करके सारे विलेजर की चेस्ट को चेकआउट करने लग गया जिसमें से मुझे काफी सारे लॉग्स मिले, ब्रेड्स मिले। आगे मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे कुछ और लॉग्स मिले और एक ब्रेड मिला। एंड इस विलेज में भी गए एक वेपन स्मिथ का घर था जिसकी चेस्ट में हमेशा कुछ अच्छा सामान मिलता है। एंड ऐसा ही हुआ, यहाँ पे मुझे कुछ ऑब्सिडियन मिल गए, काफी सारे आयरन मिल गए और आयरन के आर्मर पीस मिल गए। एंड साथ ही गए मैंने यहाँ से एक ग्राइंडस्टोन को भी ले लिया अपने एन्चेंटमेंट टेबल के लिए। एंड यहाँ पे मुझे ऊपर जाने पे एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर से गए मुझे अपने प्यारे प्यारे एमरल्ड मिले और एक ब्रेड मिल गया। एंड उसे लेके गए मैं यहाँ से आगे बढ़ने लग गया। आगे बढ़ते बढ़ते गए मुझे यहाँ पे मिल चुका था एक पिलेजर आउटपोस्ट, जहाँ पे पहुंचते गए मैंने देखा कि यहाँ पे केज में इन्होंने जो है आयरन गोलम को बंद करके रखा है। मैंने सबसे पहले जैसे तैसे करके आयरन गोलम को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे मुझे पिलेजर परेशान कर रहे थे, उनको मार के मैंने फाइनली गोलम को बचा लिया। एंड उसके बाद मैंने एक एक करके यहाँ पे जितने भी पिलेजर्स थे उन सबको भी निपटा दिया। ऊपर पहुंचते गए मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे कुछ और लॉग्स मिल गए, वीट मिल गए, कुछ एन्चेंटमेंट बॉटल्स मिल गई। एंड तभी गए मैंने देखा कि हमारे आयरन गोलम को डैमेज हो रहा है क्योंकि इसके जस्ट नीचे पूरा यहाँ पे पाउडर स्नो भरा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश करी इसको बचाने के लिए, बट अफसोस मैं इसे नहीं बचा पाया, ये तो खुद ही जा के उधर घुस जा रहा था, तो मैं कैसे बचाता उसको, और वो आखिर में मर ही गया। चलते चलते गए मैं यहाँ पे पहुंच चुका था एक सवाना बायोम में, जहाँ पे मेरे जस्ट सामने यहाँ पे मुझे फिर से मिल चुका था एक और रुइन पोर्टल। इसके पास पहुंचते यहाँ पे गए मुझे 2 गोल्ड के ब्लॉक मिल गए जिसे मैंने फटाफट से ले लिया। एंड उसके बाद मुझे काफी देर ढूंढने के बाद यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी गोल्ड के आइटम मिले, कुछ ऑब्सिडियन मिले और एक गोल्ड की हो मिली। एंड गाइस हमारे सवाना बायोम के जस्ट सामने यहाँ पे डेजर्ट बायोम था, मैंने सोचा क्यों ना डेजर्ट बायोम को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। एंड गाइस लक देखो, डेजर्ट बायोम में घुसते गए हमें जस्ट सामने हमारे डेजर्ट टेम्पल मिल चुका था। मैंने बिना देरी करते हुए फटाफट से डेजर्ट टेम्पल के अंदर चले गया। अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे पहली चेस्ट में से कुछ प्यारे प्यारे एमरल्ड्स मिल गए, दूसरी चेस्ट में से गाइस मुझे कूड़ा मिला, तीसरी में से मुझे एक गोल्डन एप्पल काम का मिला एंड चौथी चेस्ट में से गाइस मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत गोल्ड मिल गए जिसे मैंने ले लिया। एंड फाइनली गाइस काफी अच्छी एक्सप्लोरेशन करने के बाद मैं सीधा पहुंच चुका था अपने विलेज में। नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी थी गाइस एंड मेरे पास खाने
खाने की काफी ज्यादा कमी थी एंड मैंने डिसाइड किया क्यों ना एक बढ़िया सा छोटा सा फार्म बना लिया जाए, वो भी एक वीट का फार्म, क्योंकि मेरे पास कुछ वीट की सीड थे जो कि मुझे मिले थे विलेज से। उसके हेल्प से गाइस मैंने फटाफट से अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा फार्म बना लिया एंड उसके बाद मेरे पास कुछ पोटेटोस थे, मैंने उसको कुक करने के लिए रख दिया, बट उसको कुक होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था इसलिए मैंने बिना देरी करते हुए फटाफट से अपने लिए एक स्मोकर बना दिया एंड उसके बाद मेरे पास जितने भी पोटेटोस थे उसे मैंने स्मोकर में कुक करने के लिए रख दिया एंड जैसे मेरे सारे पोटेटोस कुक हो चुके थे मैं सीधे निकल गया डायमंड की माइनिंग करने के लिए। एंड गाइस मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं अपनी खुद की एक माइन बनाऊंगा जिसके जरिए मैं जाऊंगा सीधा -56 के नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स पे एंड वहां पे पहुंच के मैं अपने डायमंड की माइनिंग करूंगा। अपने माइन पे काम करते करते गाइस मुझे यहां पे मिल चुकी थी एक रवीन, मैं फटाफट से रवीन के अंदर चले गया। अंदर पहुंचते गाइस मुझे यहां पे काफी सारे भर भर के आयरन और गोल्ड मिल गए जिसे मैंने फटाफट से बटोर लिया। रवीन में आगे बढ़ते बढ़ते गाइस मुझे और भी काफी सारे आयरन मिल गए एंड साथ ही भर भर के काफी सारे गोल्ड भी मिल गए जिसे भी मैंने फटाफट से ले लिया एंड उसे लेके मैं फिर से अपने माइन पे काम करने लग गया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डीप जा सकूं एंड जितना जल्दी हो सके डायमंड माइनिंग कर सकूं। एंड काफी देर तक अपने माइन पे काम करने के बाद गाइस मैं फाइनली -57 कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच चुका था एंड वहां पे पहुंच के मैंने अपने डायमंड की माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड कुछ ही देर में गाइस मुझे अपने कुछ पहले डायमंड्स मिल चुके थे जिसे मैंने ले लिया एंड ऐसे करके गाइस मैं आगे यहां पे जितने भी मुझे डायमंड्स मिलते जा रहे थे उसे मैं लेते जा रहा था। इसमें गाइस मुझे काफी ज्यादा टाइम भी लग गया क्योंकि गाइस हमने ये माइन काफी ज्यादा डीप बनाई थी एंड इसका हमें काफी अच्छे से फायदा भी हुआ क्योंकि गाइस इस माइन में हमें इजीली 2 से 3 डायमंड हर बार में मिली जा रही थी एंड इस चीज का फायदा उठाते हुए गाइस मुझे यहां पे इजीली 38 डायमंड मिल चुके थे जो कि मेरे लिए मोर देन इनाफ थे। एंड साथ ही गाइस माइन करते करते मुझे काफी सारे आयरन और गोल्ड भी मिले थे जिसे भी मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड उसके बाद मेरे पास जितने भी डायमंड थे उसके हेल्प से मैंने सबसे पहले अपने लिए सारे डायमंड के टूल्स बना लिए एंड बचे हुए डायमंड की हेल्प से मैंने फटाफट से अपने लिए एक फुली डायमंड का आर्मर बना लिया। एंड गाइस अब अपने पास एक फुली डायमंड का आर्मर भी आ चुका है एंड अब बारी आ चुकी है अपने लिए प्यार और खूबसूरत सा हाउस बनाने की जिसके लिए गाइस मुझे सिंपल से जो लॉक्स होते हैं ओक लॉक और बिर्च लॉक की जरूरत है। बट प्रॉब्लम यह है गाइस कि यहाँ पे जो घर है अपना वो काफी ज्यादा बड़ा है एंड इसके लिए मुझे जो क्वांटिटी चाहिए लॉक्स की वो भी काफी ज्यादा है, बाकी तो अपना घर काफी ज्यादा सिंपल है। इसलिए मैंने कई दिन स्पेंड करके काफी देर तक काफी सारे लॉक्स को चॉप किया एंड बाकी का मेरे पास सामान ऑलरेडी था एंड सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करने के बाद फाइनली गाइस मैंने अपने लिए प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड कई दिनों की तगड़ी मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बन के रेडी हो चुका है। एंड गाइस अब हमें करना था गोल्ड ट्रेडिंग, इसलिए मेरे पास जितने भी गोल्ड थे उसे मैंने सबसे पहले स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड मेरे पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक थे उसमें से गाइस मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 गोल्ड की ब्लॉक अपने चेस्ट में रख दिया एंड बाकी का मैंने अपने साथ ले लिया एंड उसे लेके गाइस मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। एंड क्योंकि गाइस हमारा क्रिम्सन बायोम में स्पॉन था तो थोड़ा आगे बढ़ते मुझे यहां पे कुछ पिगलिंस दिख गए जिनके पास पहुंच के मैंने इनको थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड देना स्टार्ट कर दिया ताकि गाइस अपनी जो लूट की रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। आप भी ऐसे करा करो, एक ही पिगलिन को सारा गोल्ड मत दिया करो। एंड ये देखो गाइस इस चीज का मुझे कितना ज्यादा फायदा हुआ, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली 18 एंडर पर्ल्स मिल चुके हैं, काफी सारे लेदर, काफी सारे पोशंस मिल चुके हैं और भी काफी सारी चीजें मिली है। एंड अब बारी आ चुकी थी सबसे पहले अपने लिए एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करने की जिसके लिए मुझे सबसे पहले कुछ पेपर्स की जरूरत थी, इसलिए मैं अपने शुगर केन फार्म के पास पहुंच चुका था एंड वहां पे पहुंच के गाइस मेरे पास जितने भी बोन मिलते उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे एक एक करके जितने जो शुगर केन्स है उनको ग्रो कर रहा था एंड उन्हें मैं बार बार हार्वेस्ट करते जा रहा था ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा पेपर मिल सके एंड मैं अपने लिए काफी सारी बुक्स बना सकूं। एंड इसी तरीके से गाइस मैंने काफी देर तक काफी सारे शुगर केन्स ग्रो करके उनकी हेल्प से अपने लिए काफी सारे बुक्स बना लिए एंड मेरे पास कुछ प्लैंक थे उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे बुकशेल्फ बना लिए एंड उसके बाद गाइस कुछ ऑब्सिडियन लेके एंड कुछ डायमंड लेके मैंने उसकी हेल्प से फटाफट से अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया। एंड गाइस मैंने अपने घर के नीचे ऑलरेडी यहाँ पे एक एरिया बनाया था जहाँ पे मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल को लगाऊंगा, मैंने वहाँ पे फटाफट से अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर दिया। एंड गाइस अब बारी आ चुकी है अपनी चीजों को एन्चेंट करने की जिसके लिए मुझे एक्सपीस की जरूरत है, इसलिए मैं आ गया था सीधा नेदर में कॉर्ड्स को माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करने के लिए। एंड इसी तरीके से
गाइस मैंने काफी देर तक काफी सारे कॉर्ड्स को माइन करके इनफ एक्सपीस को कलेक्ट कर लिया एंड उसकी हेल्प से गाइस मैंने सबसे पहले अपने सारे टूल्स को एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मुझे पिकेक्स पे काफी गंदी एन्चेंटमेंट मिली बट बाकी समय मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। इसलिए मैंने अपने पिकेक्स को वापस से डिसएन्चेंट करके एन्चेंट किया एंड इस बार मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। एंड उसके बाद गाइस मेरी जो एक्सपीस फिर से खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं फिर से थोड़ी बहुत एक्सपीस बटोर के लेके आया एंड उसकी हेल्प से गाइस मैंने फटाफट से अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट कर लिया, जिसमें मुझे काफी डिसेंट सी एन्चेंटमेंट मिली एंड साथ ही मैंने अपने लिए एक बो भी बनाया था एंड उसे एन्चेंट करने पे गाइस मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली। एंड उसके बाद गाइस मैंने अपने घर के नीचे जो छोटा सा वीट का फार्म बनाया था, मैंने वहां से सारे वीट को बटोर लिया एंड उसकी जगह पर मैंने सारे सीड्स को लगा दिया। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन को हराने की, इसलिए मैंने फटाफट से अपने लिए काफी सारे आईएफ एंडर बना लिए एंड साथ ही गाइस मैंने अपने लिए एक एनविल बना लिया और साथ ही अपने साथ कुछ ऑब्सीडियन को भी रख लिया। एंड उसके बाद गाइस आईएफ एंडर को फेंक के मैंने फटाफट से स्ट्रॉन्गहोल्ड की डायरेक्शन को ढूंढ लिया एंड उसके जरिए गाइस मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्गहोल्ड को ढूंढने के लिए। 6.5 hours later एंड इस तरीके से चलते चलते गाइज मुझे यहाँ पे एक और एक विलेज मिल चुका था, जहाँ पे गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहे थे अपने ट्रेडर के प्यारे प्यारे लामाज एंड साथ ही गाइज यहाँ पे काफी सारे हेबल्स थे जिसे मैंने फटाफट से बटोर लिया एंड उसकी हेल्प से गाइज मैंने अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स बना लिए। एंड उसके बाद गाइज जैसे मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड की डायरेक्शन मिल गई, मैं सीधा नीचे की तरफ डिग डाउन करने लग गया एंड कुछ ही देर में गाइज फाइनली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गहोल्ड भी मिल चुका था। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइज मुझे यहाँ पे चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे काफी सारे रेडस्टोन मिल गए एंड इसके जस्ट सामने गाइज यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, जहाँ पे पहुंचते मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से मुझे काफी बेकार सी एन्चेंटमेंट मिली एंड ऊपर वाले कमरे में गाइस यहाँ पे एक और चेस्ट थी, जिसके अंदर से गाइस मुझे काफी अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट मिल गई एंड उसमें से गाइस मुझे जो भी अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली उसे मैंने फटाफट से अपने हेलमेट में अपने स्वॉर्ड पे लगा लिया। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल भी मिल चुका था, जिसके पास पहुंच के गाइस मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ दिया एंड उसके बाद एक एक करके मैंने सारे आईएफ एंडर को लगा के अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। एंड उसके बाद गाइस मैंने अपने एंड पोर्टल के जस्ट पीछे अपने नेदर पोर्टल बना दिया एंड उसे मैंने अपने पुराने वाले पोर्टल से कनेक्ट कर दिया, ताकि मैं इजीली यहाँ पे आ सकूं। एंड अपने पोर्टल को कनेक्ट करने के बाद गाइस मैं कर गया एंड में एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंड में पहुंचते गाइस मैंने एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया, बट मुझे ये एंडरमैन काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, मैंने उनको निपटा दिया एंड उसके बाद ऊपर चढ़ के मैंने एक एक करके बाकी के सारे क्रिस्टल को भी फोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड सारे क्रिस्टल फोड़ने के बाद गाइस तगड़ी वाली एमएलजी करते हुए मैं सीधा नीचे आ गया एंड नीचे पहुंचते ही गाइस मैंने सबसे पहले एंडर ड्रैगन के हेड पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया एंड गाइस वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, बट तभी वो अचानक से उड़ गया एंड तभी गाइस मैंने अपने लास्ट बो से अटैक करके उसका गेम यहीं पे खत्म कर दिया। एंड उसके बाद मैंने एक टावर बनाते हुए यहां से मैं सीधा निकल गया एंड सिटी के लिए, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी इलाइट्रा को लाने की। एंड ऐसे गाइस मैं इधर उधर भटक ही जाता कि तभी गाइस मेरा वर्ल्ड यहाँ पे रेंडर हुआ एंड यहाँ पे मुझे जस्ट सामने यहाँ पे मिल चुकी थी एक बड़ी सी एंड सिटी, जहाँ पे लक के लिए एक एंड शिप भी थी। एंड सिटी में पहुंचते गाइस मैंने सबसे पहले यहाँ पे कुछ शर्कर्स को मार दिया एंड अंदर पहुंचते गाइस मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे थोड़े बहुत गोल्ड मिल गए, एक आयरन की स्वॉर्ड मिल गई एंड दूसरी चेस्ट में से गाइस मुझे यहाँ पे डायमंड का हेलमेट, आयरन की पिकैक्स और एक आयरन की स्वॉर्ड मिल गई। आगे गाइस मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे डायमंड की चेस्ट प्लेट, कुछ आयरन मिल गए एंड बाजू वाली चेस्ट में से गाइस मुझे कुछ डायमंड के टूल्स, आयरन और गोल्ड मिल गया। आगे गाइस मैंने यहाँ पे कुछ और शर्कर्स को मार दिया, यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें काफी तगड़ी लूट थी, काफी सारे डायमंड और गोल्ड मिल गए। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे मुझ पे एक ही साथ में काफी सारे शल्कर्स अटैक करने लग गए, जिसका फायदा उठाते हुए मैं सीधा ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे काफी सारे डायमंड की चेस्ट प्लेट मिले, दूसरे में से मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला। एंड गाइस इस एंड सिटी में काफी बेकार सी लूट थी, इसलिए मैं सीधा निकल गया एंड शिप से इलाइट्रा लाने के लिए। एंड शिप में पहुंचते गाइस मैंने सबसे पहले यहाँ के भी शल्कर को मार दिया एंड इनकी चेस्ट को चेकआउट करने पर गाइस यहाँ से भी मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला, बट यहाँ से मुझे अपनी प्यारी सी चीज यानी कि इलाइट्रा मिल गई, जिसे मैंने ले लिया। एंड उसके बाद गाइस उड़ते उड़ते मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए एंड गाइस ट्रेडर को उड़ते हुए देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, बट साथ ही गाइस यहाँ पे कुछ ग्लिच था, यहाँ पे ट्रेडर के पिछवाड़े से इलाइट्रा निकल रहा था, जिसको आप इग्नोर कर दो। एंड उसके बाद ओवरवर्ल्ड पहुंच के गाइस मैं यहाँ से नेदर पोर्टल के जरिए सीधा निकल गया नेदर में विदर स्केलेटन के स्कल को लाने के लिए, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी विदर को हराने की। एंड उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे स्केलेटन को मारना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो मुझे 3 विदर स्कल दे सके, जिसके हेल्प से मैं विदर को स्पॉन कर सकूं। एंड इस तरीके से गाइस काफी देर तक स्केलेटन को मारने के बाद अपने एंड पोर्टल वाले पोर्टल के जरिए मैं सीधा निकल गया एंड में विदर को हराने के लिए। एंड में पहुंचते गाइस मैंने सबसे पहले यहाँ पे विदर को हराने के लिए एक किलिंग चैम्बर बनाना स्टार्ट कर दिया एंड जैसे गाइस यहाँ पे किलिंग चैम्बर बनके रेडी हो चुका था, मैंने फटाफट से यहाँ पे सोल सैंड लगा दिया एंड उसके बाद गाइस मैंने फटाफट से यहाँ पे 3 विदर स्केलेटन के स्कल को लगा दिया एंड उसकी हेल्प से गाइस फाइनली यहाँ पे विदर स्पॉन हो चुका था। एंड जैसे गाइस विदर यहाँ पे स्पॉन हो चुका था, मैंने फटाफट से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया एंड उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो रही थी। एंड कुछ ही देर में गाइस फाइनली हमने विदर को हरा के यहाँ से नेदर स्टार को भी कलेक्ट कर लिया एंड उसे लेके
गाइज मैं यहाँ से सीधे निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। ओवरवर्ल्ड में पहुंच के गाइज मैंने सबसे पहले यहाँ पे कुछ ग्लास को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड जैसे वो स्मेल्ट हो गए उसकी हेल्प से गाइज मैंने फटाफट से अपने लिए एक बीकन बना दिया। एंड गाइज अब बारी आ चुकी थी बीकन को एक्टिवेट करने की, इसलिए मेरे पास जितने भी आयरन थे और गोल्ड थे उसकी हेल्प से मैंने कुछ ब्लॉक्स बना लिए। एंड जैसे मेरे पास थोड़े बहुत रिसोर्सेस कलेक्ट हो गए मैंने उसकी हेल्प से फटाफट से अपने लिए एक छोटा सा बीकन बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे गाइज पिरामिड बन के रेडी हो चुका था मैंने फाइनली बीकन लगा के अपने बीकन को एक्टिवेट कर दिया। एंड इसी के साथ गाइज फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया था 100 डेज एज अ वेटरन ट्रेडर, जिसमें गाइज मुझे काफी ज्यादा मजा आया। उम्मीद करते हैं गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे गाइज एम करते हैं 5000 लाइक्स का, मुझे उम्मीद है आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।